Hello everyone! Welcome to my channel CS show. This video is for CSET students who are preparing for upcoming CSET examination. This is my second video for Indian Contract Act, which is the part of your legal aptitude paper. So in this video, we'll study about the offer and acceptance, which is the basic of contract. So let's start.

तो लीगल ऑफर के अगेंस्ट लीगल एक्सेप्टेंस किस तरह से दिया जाए कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस फिर हम स्टडी करेंगे लैप्स ऑफ ऑफर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑफर को हम लैप्स मानेंगे उसके अगेंस्ट का जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं होगा फिर हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर रिवोकेशन so, का मतलब होता है वापस ले लेना ऑफरर के पास कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने ऑफर दिए हुए ऑफर को वापस ले सकता है और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड केस लॉस जिस भी टॉपिक पे वो केस लॉस एप्लीकेबल है हम वो केस लॉस भी पढ़ेंगे सो so, हम सबसे पहले आते हैं ऑफर की डेफिनेशन पे सो so, ऑफर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में ऑफर की डेफिनेशन दी गई है

ठीक है ये एक्सप्रेशन बाय वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो सकता है एंड अदर मोड्स भी हो सकता है ठीक है बट ऑफर अकर्स ओनली व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू एंटर इन टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन और ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से वो दूसरे पर्सन को जिसको वो ऑफर दे रहा है उससे या तो रिटर्न में चाहता है प्रॉमिस फॉर एक्ट और फॉर मतलब उससे वो चाह रहा है प्रॉमिस इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन और इन फॉर्म ऑफ एनी एक्ट उससे कुछ एक्शन कराना चाह रहा है और या फोरबियरेंस फोरबियरेंस मतलब कुछ ना कराना चाह रहा है जो हमने एब्सटिनेंस पढ़ा था पहले यहाँ पर उसके रेफरेंस में फोरबियरेंस यूज किया हुआ है सेकंड एस्पेक्ट है ऑफर का व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी थिंग विद्यू टू ओपटेन असेंट ऑफ अदर सच एक्टर ठीक है एक तो तरीका हो गया ऑफर देने का कि वो अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में एंटर करने का और उसके बदले में वो ऑफर ही से चाहता है कि वो कोई प्रॉमिस करे कोई एक्शन करे या कोई फोरवियरेंस करे ठीक है कोई चीज फोरगो करे बट सेकेंड एस्पेक्ट है ऑफर का जब पर्सन अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कोई काम करने के लिए और या ना करने के लिए और उसके बदले में वो ऑफरी से उसके लिए असेंट मांग रहा है मतलब ये रिवर्स ऑफर हुआ दूसरे तरीके से ऑफर हुआ ठीक है सो so, वो भी पर्सन को हम ऑफरर बोलेंगे जब वो कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए ऑफर कर रहा है और बदले में ऑफरी से असेंट मांग रहा है नाउ विल स्टार्ट विथ रूल्स गवर्निंग ऑफर्स सो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट रूल ऑफर का है ऑफर मस्ट बी क्लियर डेफिनेट कंप्लीट एंड फाइनल तो हम उसी ऑफर को वैलिड मानेंगे जब वो ऑफर एकदम क्लियरली दिया गया है डेफिनेट है क्लियरली मैंशन है क्या है ऑफर कंप्लीट है इनकम्प्लीट ऑफर नहीं दिया है कि मैं आपको ये ऑफर करता हूं और फिर आप ये बताइए तो मैं और ऑफर करूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर मस्ट भी कंप्लीट इन इट सेल्फ एंड इट शुड बी फाइनल अभी ये आप इस तरह से ऑफर कंप्लीट नहीं होगा क्या बोलेंगे मैं ये देना चाहता हूँ मैं ये ऑफर करना चाहता हूँ नहीं इट शुड बी फाइनल फाइनल ऑफर फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑफर ठीक है और इट शुड नॉट बी वेग एट ऑल कोई एक जनरल सा आइडिया नहीं देंगे कि मैं इस तरह की कोई चीज कर सकता हूँ अगर आप बदले में ये करें सो इट शुड नॉट बी अ वेग आइडिया इट शुड बी वेरी क्लियर डेफिनेट एंड फाइनल सेकेंड रूल गवर्निंग द ऑफर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी ठीक है ऑफर तभी वैलिड होगा जब वो क्लियर हो फाइनल हो कंप्लीट हो सेकेंड वो ऑफर प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरिंग को अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगा ठीक है इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड बाय द रीजनेबल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम अभी आगे देखेंगे अब ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होना चाहिए इट कैन बी ओरल इट कैन बी रिटर्न इट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स बाय द ऑफरर जो कि ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है और इट मे बी बाय इम्प्लाइड कंडक्ट ऑफ ऑफ़रर, ठीक है तो वो ऑफ़रर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ये कोई चीज ऑफर कर रहा है इन व्यू ऑफ एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रेक्चुअल सो इट कैन बी इन वर्बल और रिटर्न और इट कैन बी इम्प्लाइड अनदर रूल इज दैट कम्युनिकेशन कैन बी जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक सो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन वो होता है जब किसी कम्युनिकेट कर रहा है, so है उनमें से कोई भी एक पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑफर इट कैन बी एक्सेड बाई वन ऑफ फ्री टू ऑफ फ्री थ्री ऑफ्री बट जनरल ऑफर इज दैट वेन इट इज गिवेट में When is given generally addressed to a public at large, it can be accepted by a specific person. So wo ho gaya general offer. The general offer as well as specific offer is acceptable under Contracts Act. अब हम देखते हैं कि जो offer हमने किया है, वो किस-किस condition पे माना जाएगा कि lapse हो चुका है. कौन से ऐसे conditions हैं? जब हम ये consider करेंगे कि ये offer is lapse. Now it is no more acceptable. और वंस द ऑफर एज लैप इट इज क्लोज नो अदर कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इन टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर पहला कंडीशन है होने का अगर ऑफरर ने कोई ऑफर दिया है और उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम मेंशन किया है तो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर ऑफरी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मानेंगे कि ऑफर लैप्स हो चुका है सेकंड कंडीशन है अगर कोई टाइम मेंशन नहीं किया है तो ऑफरी को उसे विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट करना पड़ेगा सपोज कोई ट्रैवलिंग वेबसाइट ने हमको ऑफर दिया हॉलीडेज का एंड दैट ऑफर इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ वन मंथ सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑफर फॉर अ one मंथ बियॉन्ड दैट इट विल बी lapsed. अब सेकेंड कंडीशन है कोई ट्रैवलिंग एजेंसी ने हमें ऑफर दिया लेकिन उसमें कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो ऐसे नहीं है कि हम 10 साल बाद उस ऑफर को वैलिड मानेंगे और 10 साल बाद हम उसको एक्सेप्ट कर सकते नहीं इट शुड बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम दूसरा तरीका है ऑफर लैप्स होने का इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन अ मोड प्रिस्क्राइब और अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है सम रीजनेबल और यूजल मैनर ठीक है तो अगर ऑफर हाँ ने स्पेसिफाई किया है कि वो जो ये ऑफर कर रहा है उसको बाय रिटर्न एसेंट ही एक्सेप्ट किया जा सकता है तो उस केस में वर्बल एक्सेप्टेबल नहीं होगा so उस केस में भी अगर किसी ने वर्बल एक्सेप्टेंस दे दी अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रिटर्न एक्सेप्टेंस चाहिए तो ऑफर लैप्स हो जाएगा सेकेंड अगर कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं प्रिस्क्राइब किया है तो देर शुड बी यूजल और रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कोई एक जनरली एक्सेप्टेबल मैनर में ही हमें ऑफर एक्सेप्ट करना है हम ये नहीं बोल सकते कि कि मैंने मन में सोच लिया था कि मैं तो ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगा और ये मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला समझ जाएगा ये कोई रीजनेबल मोड नहीं है एक्सेप्टेंस का सो इट शुड बी सम वैलिड रीजनेबल मैनर थर्ड वे है लैप्स होने का जब ऑफरी आउटराइटली रिजेक्ट कर दे ऑफर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि दिस ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल इमीडिएटली ये ऑफर लैप्स। फिफ्थ कंडीशन है अगर ऑफरर या ऑफरी दोनों में से कोई भी एक मर जाता है विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ठीक है तो अगर ऑफरर ने ऑफर offer दिया ऑफरी की डेथ हो गई एक्सेप्टेंस दिए बिना तो कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ और ऑफर लैप्स हो गया ऑफरर ने ऑफर offer दिया, ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट करने से पहले ही ऑफरर की डेथ हो गई तो इन एक्सेप्ट तो करता है बट अगर ऑफरर ने किया हुआ है कि एक्सेप्टेंस से पहले से ये कंडीशंस फुलफिल करनी होगी तभी हो वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा सो so वो बिना कंडीशन फुलफिल किए एक्सेप्टेंस दे दे रहा है तो उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और ऑफर लैप्स हो जाएगा सो एक्सेप्टेंस शुड बी फुलफिलमेंट ऑफ इफ इन ऑफर। और लास्ट है लैप्स का जब ऑफरी काउंटर ऑफर कर दे सपोज ऑफर ने ऑफर दिया कि वो लैंड टेन लाख में सेल करना चाहता है ऑफरी काउंटर ऑफर कर दे कि नहीं ये लैंड हम नौ लाख में खरीदेंगे सो so, इस केस में एक ऑफर हुआ दूसरा उसके अगेंस्ट ऑफर के अगेंस्ट ऑफर आ गया तो जो पहला वाला ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा सो so, एक क्विक रिव्यू अगर स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम में नहीं एक्सेप्ट किया है या स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया है अगर मोड प्रिस्क्राइब है कोई और उस मोड में नहीं एक्सेप्ट किया है या कोई रीजनेबल मोड में नहीं एक्सेप्ट किया है अगर ऑफर ने रिजेक्ट कर दिया है बाय अ डेफिनेट रिफ्यूजल इधर ऑफरर और ऑफरी की डेथ हो गई है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफरी ने टर्म्स कंडीशन नहीं फुलफिल की है ऑफरर की बिफोर एक्सेप्टेंस और या ऑफरी ने काउंटर ऑफर सो दिस ऑल अबाउट लैप्स ऑफ ऑफर अब हम देखते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है रिवोकेशन हो सकता है बाय ऑफरर ओनली सो ऑफरर ने अगर कोई ऑफर किया है तो उसके पास राइट right है ऑफर को रिवोक करने का बट आर दे रूल्स उसको फॉलो करके ही हम मानेंगे कि देर इज अ वैलिड रिवोकेशन ऑफ ऑफर सो सबसे पहला बेसिक कंडीशन है ऑफर रिवोक कर सकता है ऑफर को बिफोर एक्सेप्टेंस अगर ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया है रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से तो ऑफरर के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस ऑफर को रिवोक करे सेकेंडली अगर ऑफरर कोई ऑफर रिवो करना चाहता है तो जिस तरह से उसने अपना ऑफर कम्युनिकेट किया था उसी तरह से उसे रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेंस देने के पहले पहुंच जाना चाहिए ऑफरी के पास अगर वो कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा और ऑफरिंग अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया है तब रिवोकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा सो आवर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट आल्सो सेज दैट ऑफर टू कीप ओपन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इज नॉन बाइंडिंग अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय सम कंसीडरेशन सो अगर ऑफरी ऑफर को बोलता है कि आप अपना ये ऑफर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रखें अपना ये ऑप्शन ओपन रखें स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो so वो वैलिड तभी माना जाएगा जब वो बैक्ड बाय होगा सम सो so अगर ऑफरर ऑफरी के कहने पे तीन महीने तक कोई लैंड की सेल होल्ड करके रखता है उसके लिए ऑफरी ऑफरर पे तभी ऑब्लिगेशन डाल सकता है जब ये पूरा अरेंजमेंट कोई कंसिडरेशन से बैकडअप हो सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफर लैप्स ऑफ ऑफर रिवोकेशन ऑफ ऑफर अब हम आते हैं एक्सेप्टेंस पे तो so, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है एक्सेप्टेंस इज एन एक्ट ऑफ़ असेंटिंग बाय एक्सेप्ट मतलब ऑफरी को जब ऑफरर कोई ऑफर देता है तो उसकी असेंट जब वो कम्युनिकेट करता है उस ऑफर पे अग्री करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाता है

जिससे ये प्रूव हो कि दिस ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू हिम सेकेंड पार्ट है एक्सेप्टेंस का, इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू ऑफर जिस तरह से ऑफर कम्युनिकेट होना है ऑफरी को इसी तरह से ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है ऑफरर को अगर ऑफर में कोई स्पेसिफाई मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस बताया हुआ है कि इस ऑफर को इसी तरह से एक्सेप्ट करना है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म में होगा जैसा कि ऑफर में प्रिस्क्राइब किया हुआ है एनी अदर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एंड विल रिजल्ट इन लैप्स ऑफ ऑफर। और फोर्थ बेसिक रूल है एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए जो टर्म्स कंडीशन ऑफ ऑफर दिया है उसी को एक्चुअल में हमें असेंट करना है तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा अगर उसमें एक्सेप्टेंस करने से पहले हम कोई टर्म कंडीशन लगा देते हैं तो देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेंस ऑफ एक्चुअल ऑफर इट विल बी अ काउंटर ऑफर सो इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज इन अनकालीफाइड एंड एब्सोल्यूट मैनर अब हम आते हैं एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर ऑफरर ने अपना ऑफर इस तरह से फ्रेम किया है कि किसी भी तरह का साइलेंस या इन एक्शन ऑन पार्ट ऑफ ऑफर फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने बी को ऑफर दिया कि ये फ्लैट मैं आपको 50 लाख रुपीज में सेल करूंगा आपके पास सात दिन का टाइम है अगर आप इसमें अपना असेंट डिसेंट नहीं कम्युनिकेट करते हैं तो मैं उसे एक्सेप्टेंस मानूंगा और वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा So, इस केस में बोला उसने बी को कि अगर आप साइलेंट रहते हो सात दिन तक ठीक है तो वो उसे मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा सो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस साइलेंस ऑन पार्ट ऑफ ऑफरी इज नॉट पे अगर कोई केस स्टडी आती है इट इज वेरी क्लियर डेट किसी भी तरह का साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता ठीक है कोई इनएक्शन ऑन पार्ट ऑफ ऑफरी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता सपोज ए ने बी को बोला की मैंने आपको ये फ्लैट 50 लैख में ऑफर किया है अगर आप एक महीने तक कोई और फ्लैट नहीं खरीदते हैं तो मैं मानूंगा कि ये डील डन है सो इट इज एन इन एक्शन ऑन पार्ट ऑफ ऑफरी अगर ऑफरी वन मंथ के अंदर कोई फ्लैट नहीं खरीदता है तो दिस टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ फ्लैट अगर ऑफर ऐसा है जिसको हम कुछ करने से एक्सेप्ट कर सकते हैं

then we'll consider it as acceptance of offer we'll consider it as advanced against this deal so action can be a mode of acceptance in this case there is no need for communication of acceptance an action on part of offerer itself is an acceptance another important rule for acceptance is it must be given within a reasonable time that is within a time period ऑफर लैपेस और बिफोर इट इज रिवोक्ट अगर ऑफर ने रिवोक कर दिया तो हम उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं किस कंडीशन में एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा और किस कंडीशन में नहीं एक रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है टू फाइंड अ लॉस डॉक तो उस केस में ऑफरी कैन कन्वे हिज एक्सेप्टेंस बाय सिंपली फाइंडिंग द लॉस डॉक इट इज नॉट नेसेसरी That वो पहले कम्युनिकेट करे ऑफरर को कि मैं आपका डॉग ढूंढने जा रहा हूँ फिर वो फाइंड करे फिर उसको कम्युनिकेट करे नो no. इस केस में रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है टू फाइंड अ डॉग सो दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय मेर एक्शन ऑन पार्ट ऑफ ऑफरी सो जो पर्सन उसको एक्सेप्ट करना चाहता है वो सिंपली जाके डॉग को ढूंढ के ऑफरर को हैंड ओवर कर दे इट विल अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफर सिमिलरली परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन विदाउट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस ठीक है तो सपोज ए ने रिवॉर्ड अनाउंस करा हुआ है टू फाइंड अ अब बी को इस ऑफर के बारे में पता नहीं है कि ऐसा कोई ऑफर है बट उसे वो डॉग मिल जाता है और वो डॉग ए को हैंड ओवर कर देता है सो so, और उसे फिर बहुत बाद में पता चलता है कि इसके अगेंस्ट तो कुछ रिवॉर्ड था और वो दो महीने बाद उसे क्लेम करने जाता है कि मैंने तो आपको डॉग ढूंढ के दिया आप इसका रिवॉर्ड मुझे दीजिए सो so, इस केस में इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड ही इज नॉट टू अवार्ड बिकॉज व्हेन ही दैट एक्सेप्टेंस एक्शन उसे पता ही नहीं था कि देर इज अ रिवॉर्ड बिकॉज तो सबसे पहली कंडीशन है की अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे हुआ है प्योरली वर्बल ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रेक्ट मानेंगे बिकॉज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में

ठीक है तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा और तभी कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन मटेरियलाइज हो सकता है सो इन कॉन्ट्रैक्ट का भी सेम स्टेटस होता है जो पार्टी सामने बैठ के निगोशिएट करती है और साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अ अ सेम लीगलिटी एज नाउ विल स्टडी अ अस कन्हैयालाल वर्सेज दिनेश्वर चंद्र जो की कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन से रिलेटेड है सो so, इस केस में ऑफरी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया था और देयर इज अ वैलिड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑफ क्लेम्स दैट ने जब अपना असेंट दिया जब अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया तो टेलीफोन लाइंस डेड हो चुकी थी एंड ही वाज अनेबल टू हियर द हिस्टर कंसेंट और ऑफरीज वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस सो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया सिंस देयर वाज नो क्लियर ऑडिबल कम्युनिकेशन देयरफॉर फोर देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बट अगर इस केस में ये प्रूफ कर दे रहा है कि फिर से फोन लाइन कनेक्ट हुई थी और फिर से उसने क्लियरली अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया था और ने उसको उसके वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस को क्लियरली सुना एंड अंडरस्टैंड किया इस सरकमस्टांसिस में देर विल बी अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल बी कॉल्ड एस कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन इट हैज सेम एग्जिस्टेंस सेम वैलिडिटी एज द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू By the parties who are meeting physically. So this case law says contracts over telephone are valid provided that acceptance or offer must be clearly communicated and heard by another party. So this was all about rules of offer and acceptance, revocation of offer, lapse of offer, and contracts over telephone. We'll soon come with another video lesson on Indian Contracts Act. Till then, watch my other videos which are available in my channel CS Avenue. Show. Thank you so much.